आज हम बात कर रहे हैं मार्केट के दिग्गज प्लेयर जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पे रिलायंस को मैंने आपके पीछे सेल किया था और किस लेवल पे मैंने इसको अगेन खरीदा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो मिस की हो तो मैं आपको बता दूँ, लगभग 2225 के लेवल पर हमने रिलायंस को सेल किया था आज से लगभग 15-20 दिन पहले। मार्च की स्टार्टिंग की बात है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एक महीने पहले अगर हम देखते हैं एक महीने का चार्ट, यहाँ पे 2200 के आसपास प्राइस आया था। मैंने देखा कि रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 10% की होल्डिंग रखता है, मतलब मेरे दोनों तीनों सारे पोर्टफोलियो मिला के मैं कह रहा हूँ, मेरी टोटल ओवरऑल एक्सपोजर का। तो जब से रिलायंस ने 2100 के लेवल को क्रॉस किया, 2150 के ऊपर मैं इसको लगातार बेच रहा हूँ। 2150 पे बेचा था, 80, 90, 95, 2020-25 तक हमने इसको सेल किया है। और अब सेल करते करते सपोज मैंने आपको बता रखा है कि 1 लाख की मेरी टोटल होल्डिंग थी रिलायंस में, तो अब वो डिक्रीज होकर 50,000 के आसपास है। अब वापस से मैंने इस गिरावट में, जो अभी मंथली एक्सपायरी हुई है थर्सडे को, और पिछले 4-5 दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी में लगभग 1100-1200 पॉइंट का करेक्शन आया है, दोबारा से मैंने यहाँ पे रिलायंस को एक्यूमुलेट किया है कुछ शेयर्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैं पोर्टफोलियो अपना सेल कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड माई मनी फॉर माई सम पर्सनल रीजन्स। तो अभी वो काम मेरा 15-20 दिन के लिए डिले हुआ है, इसलिए आपने अगर नोटिस भी किया हो, मैं पिछले एक हफ्ते से सेलिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बाइंग भी कर रहा हूँ अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर्स में केवल। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जब 2225 पे मैंने इसको सेल किया था, अगर आपने वो मिस किया हो तो आई विल ट्राई कि उसका मैं आपको लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूँ आई बटन पे। यहाँ पे आप चाहे तो इस वीडियो को देख भी सकते हैं जो मैंने इसको बताया था, थंबनेल में आप देख सकते हैं रिलायंस में फिर से प्रॉफिट बुक किया, मैनेजमेंट की सैलरी बहुत कम है, सारे डिटेल एनालिसिस आपको उस पे दी वीडियो पे दिख जाएगा। अब मैं वो वीडियो आपके लिए दिखा देता हूँ। सेल किए है लगभग 13,000 का माल हमारे बेचने के बाद, ये शेयर डाउन हो गया था 2190 का, अगर मैं सेल नहीं करता तो लगभग 200 रुपये का मेरे को यहाँ पे नुकसान होता। अगर इसका हाई देखा आपने, 2225 पे हमने सेल किया था और मैंने यहाँ पे 6 शेयर बेचे थे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब रिलायंस की बात आती है तो मैं जो मेरा बाइंग है या जो मेरा सेलिंग है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स या नंबर ऑफ़ यानी आप अमाउंट कह लीजिए वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरे शेयर में खरीदता हूँ 5,000, 6,000, 4,000, 7,000 के, जब रिलायंस की बात आती है तो मैं शेयर खरीदता हूँ 8,000, 10,000, 12,000 के, और सेम विथ सेलिंग। अब मैं आपको अपना बाइंग भी दिखा देता हूँ कि किस लेवल पर मैंने इसको बाई किया है इस गिरावट में। 2225 पे हमने सेल किया था, अब भगवान की दुआ से वापस से हमने इसको पकड़ा है। 5 क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 10,000 का माल हमने उठाया है 1996 रुपये में। अब ये और नीचे जाएगा, 1940-50 आएगा तो इसमें मैं और बाइंग करूँगा। मैंने आपको बता रखा है अच्छे शेयर को हर एक गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हो सकता है रिलायंस अभी ऊपर वापस से 2200-2300 जाने में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने लगा दें, लेकिन नीचे का रिस्क जो होता है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर में वो लिमिटेड होता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तब तो सभी शेयर्स नीचे जाएंगे, दूसरे शेयर्स 10, 12, 15% नीचे जाएंगे, तो अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पे 2, 4, 6, 8% नीचे जाएंगे। मैंने वापस से पोजीशन बनाई है मैनेजमेंट की सैलरी के लिए, सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे दिए गए मेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप या मेल भी कर सकते हैं। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं किसी शेयर में पोजीशन बनाऊं या मैं सेल करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।